स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट वीडियो में 15 डी एक्सरसाइज से अब तो क्वेश्चन नंबर 15 हमने कर लिया था, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 में है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी में भी मिलेगा, सीबीएसई की क्लास 10th के। क्वेश्चन नंबर 16, एक खिलौना लेंगे हम ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेमिस्फीयर के ऊपर कौन हो गया। फिर उसके बाद ये रेडियस जो दी है ना, ये है 3.5 का। इसके बाद टोटल जो लेंथ दी हुई है खिलौने की, वो दी हुई है 15.5। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस 3.5 है, तो ये इसकी हाइट कितनी बची, 12 और 3.5, 15.5, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को वो निकालना है ना सरफेस एरिया, तो पाई आर एल, ये एल नहीं पता है मुझे। तो सबसे पहले एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, 144 प्लस 12.25। ये सब देखो हैबिट है पढ़ाते रहने का, 156.25। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट, यानी कि 12.5। अब यहाँ पे टी एस ए हमको निकालना है, तो टी एस ए इज इक्वल टू क्या क्या आएगा, इसमें दो चीज़ें ऐड होंगी, सी एस ए ऑफ कौन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों ऐड करेंगे। कौन के लिए हम लगाएंगे पाई आर एल, और इसके लिए लगाएंगे हम लोग हेमिस्फीयर के लिए 2πr². अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट करने से पहले पाई आर कॉमन है तो ले लेते हैं, तो एल प्लस 2r बचेगा, है ना। ऐसे कॉमन ले लेने से जो है कैलकुलेशन और ज़्यादा ईजी हो जाता है। पाई के लिए 22/7 रेडियस है, 3.5 दोनों के लिए कॉमन है, स्लैंट हेड जो है 12.5 है, प्लस 2 इंटू रेडियस यानी कि 3.5, 7 × 7.5, याद रखो 22×5 = 110, 11 आएगा, इंटू ये कितना आएगा 12.5 प्लस 7 यानी 19.5 हो गया, यानी 11 इंटू में 19.5 करोगे, 11 का टेबल आता है तो पढ़ लो, 11 × 5 = 55 × 5 = 4 और कितना 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द लार्जेस्ट स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, सबसे मैक्सिमम साइज का जो स्फीयर निकल सकता था उसको निकाला गया, उसका वॉल्यूम पता करना है कि कितना वॉल्यूम आएगा। सिंपल है, कुछ इस तरह से डायग्राम होगा, है ना, ठीक है, यही है। इसके पूरे बीच में से 3D टाइप में ऐसे स्फीयर निकाला गया है, गोला निकाला गया है, और लार्जेस्ट जो निकल सकता है उसका डायमीटर कितना होगा, 7, चारों तरफ से 7, 7, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो डायमीटर जो है इक्वल होगा एज ऑफ क्यूब के, इक्वल टू 7, तो रेडियस आ जाएगी आपके 7/2। अब क्वेश्चन नंबर 17 में वॉल्यूम पता करना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 πr³। भाई इतने ही रेडियस का हम निकाल पाएंगे मैक्सिमम, तो 4/3 × 22/7 × 7/2 × 7/2 × 7/2 क्यूब के लिए 3 times, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 × 1 = 2, 11 × 2 कितना आएगा, 49 × 11/3 आएगा। अब कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, 539/3, डिवाइड करेंगे 3 × 3, 3 × 21, 3 × 9 = 0.6666 आता रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 में है, एक सिलेंड्रिकल बकेट है हुज बेस हैज अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। चलो भाई 20 सेंटीमीटर तक हाइट पे भरा हुआ है, 15 सेंटीमीटर का रेडियस है। अ हैवी आयरन स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड। एक बड़ा सा बॉल 10 सेंटीमीटर रेडियस का मैंने ड्रॉप किया, सबमर्ज हो गया कम्प्लीटली बकेट में। अब ये बताना है भाई कितना लेवल उसका इंक्रीज हुआ वाटर में। डायग्राम तो दिया नहीं है, तो ये लो एक बकेट बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे यही वो आयरन बॉल है। अब मान लो कि पानी पहले इतना था, फिर उसके बाद राइज कर गया, ठीक। तो पहले वो पानी कितना था, 20 सेंटीमीटर ये हाइट था पानी का, फिर कितना राइज किया नहीं मालूम, तो उसको एच ले लेते हैं हम लोग। ये इसका रेडियस कितना है, 15 है ना, और ये इसका रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ द बॉल इज 10 सेंटीमीटर, 10 है। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है कितना है, कितना पानी राइज किया। अच्छा, पानी कितना राइज करेगा, जितना ये इसका वॉल्यूम है ना स्फीयर का। तो क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ से मेरे को साफ समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड इन सिलेंडर, कितना पानी ऊपर उठेगा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। भाई जितना हम वॉल्यूम डालेंगे उतना ही वॉल्यूम का पानी ऊपर उठेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड इन सिलेंडर यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला एच लिया है मैंने, कितना आगे वो हुआ, और 4/3 पाई आर क्यूब। भाई इसी को डालने से इतना पानी ऊपर उठा, ठीक है। तो पाई से पाई मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे ध्यान रहे ये आर स्क्वायर सिलेंडर के लिए है, यानी 15 × 15 × एच नहीं मालूम कितना उठा, 4/3 × आर क्यूब यानी 10 × 10 × 10। ओके, एच इक्वल टू 4 × 10 × 10 × 10 है ना, अपॉन में कितना है, 3 × 15 × 15, इतना ही राइज करना चाहिए। तो 5 × 3 = 5 × 2 = 5 × 3 = 5 × 2 = कितना आ गया ये, 2 × 2 = 4 = 16 है ना, 4 × 4 = 16 यानी कि 160 अपॉन में 27। कटना पिटना तो कुछ है नहीं, तो 27 से 5 बार में जाएगा और 25 रिमाइंडर बचेगा अपॉन में 27। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे अब तो 179.666 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। 19 में है कि द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन एंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर आर द सेम। बेस कोन का और रेडियस स्फीयर का सेम है, दोनों 8 सेंटीमीटर हैं। गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ दीज टू सॉलिड आर ऑल्सो द सेम। लो भैया इन दोनों के वॉल्यूम भी सेम है। कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। अब स्लैंट हाइट निकालनी है कोन की, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। क्वेश्चन नंबर 18। अभी यहाँ पे कोन है और यहाँ पे स्फीयर है, ठीक है। कोन के लिए भी रेडियस 8 है, स्फीयर के लिए भी रेडियस 8 है। अच्छा, इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो पहले ये मैं हाइट निकाल लूँ कोन का। तब तो सिंस वॉल्यूम ऑफ बोथ इज सेम, चलो भाई दोनों का वॉल्यूम बिल्कुल इक्वल है, देयरफॉर इसका कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कट गया। अब यहाँ देखो आर स्क्वायर से ये पावर भी कट जाएगा, आर स्क्वायर से ये 2r कट जाएगा क्योंकि रेडियस सेम ही है। अब यहाँ 8 × 8 लिखता, यहाँ 3 × 8 × 8 × 8 लिखता, तो 2 8 से 2 8 कट करता, तो इससे पहले कट हो रहा तो कट कर दिया, 3 से 3 भी कट हो गया। एच की वैल्यू कितनी आ गई, 4r, 4 × रेडियस कितना है 8, यानी कि कितनी आ गई, 32। देखो कितना इजी हो गया।
अब h पता है, r पता है, इसलिए लेंथ हाइट निकालनी है। l स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। r स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर। अब बताओ भाई, 8 का स्क्वायर तो सबको पता होगा, 32 का स्क्वायर कितना होता है, तो दैट इज 1024। एल स्क्वायर टू अंडर रूट में ऐड करेंगे 64 में, 24 कितना आएगा, 1088 आएगा। ठीक है, 1088 आएगा। और इसको हम लोग डिवीजन मेथड से रूट इसका निकालेंगे, वो आएगा 32.98, यानी कि अप्रॉक्स 33 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि एक वेसल है इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। अब ये वेसल इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, और टॉप से जो है कि रेडियस इसका दिया है 5 सेंटीमीटर। पूरा रिम तक यानी कि एकदम पूरा टॉप तक ये भरा हुआ है। जब लेड शॉट इसके अंदर डाले जाते हैं, ईच ऑफ विच इज अ स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, सबका जो है रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, ड्रॉप किया जाता है, तो 1/4 ऑफ द वाटर जो है पानी फ्लो आउट कर गया। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल। इस देखो क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से हम करेंगे, 100 आंसर आएगा, ये भी एनसीईआरटी में मिलेगा तुमको। अब वो है क्या, इस तरह से आपका जो है कि वेसल है, पूरा ब्रिम तक पानी भरा हुआ था, तुमने छोटे छोटे इसके अंदर लेड शॉट्स डाले। क्या डाले, लेड शॉट्स। अब कितने डाले ये नहीं पता, यही तो बताना है कि कितने डाले। लेकिन जैसे ही तुमने इसके अंदर लेड शॉट्स डाले और पता नहीं कितने डाले, इसमें से पानी गिरा, ठीक। और पानी जो गिरा है वो पानी 1/4 ऑफ कोन है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ नीचे लिखते हैं ताकि बाकी सारी चीज़ें यहाँ लिख देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ लेड शॉट्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। यही हुआ है ना, पता नहीं कितने वॉल्यूम के, पता नहीं कितने सारे एक एक वॉल्यूम वाले जो वॉल्यूम है इनका, उस वॉल्यूम के एक एक लेड शॉट मैंने डाला, पता नहीं कितना डाला, लेकिन जितना डाला वो किसके बराबर था, जितना पानी बाहर निकला, 1/4 वाटर के। यहाँ पे देखो, लेड शॉट के लिए रेडियस है 0.5, कोन के लिए रेडियस है 5, और इसके अलावा हाइट जो एसएल की दी हुई है वो दी हुई है 8 सेंटीमीटर। चलो फिर फॉर्मूला पुट करो, आंसर लिखे आओ। तो यहाँ पे नंबर ही तो निकालना है, इनटू वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, यानी स्फेयर के फॉर्म में है, गोला गोला, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, सिर्फ पाई से पाई कट करेंगे, क्यों भैया, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। तो एन इंटू 4/3 इंटू 0.5 है ना, तो 5/10 लिख देते हैं, 5/10 इंटू 5/10। इधर 1/4 है, आर स्क्वायर यानी कि 5 × 5 इंटू हाइट यानी 8, 4 × 1 = 4, 2 जाए। अभी देखो मैं सामने सामने कट कर लेता हूँ, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, कट रहा है तो काट देते हैं, 2 × 1 = 2 ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2, फिर 5 × 1 = 5, 2 × एन इंटू 1/ में 3 × 2 = कितना बचा है, 6 बचा है। सिक्स है, और इधर कितना है, 5 × 5, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। देखो यार, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे 1/3 मिस हो रहा था, यहाँ पे 1/3 मिस हो रहा है, तभी तो मैं कहूँ कैलकुलेशन सही नहीं जा रहा।
इंटू टू, अभी सही जाएगा। एन इज इक्वल टू 1/3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 6, 3 1 3, 2 2 4, 5 5 25, 25 इंटू 4 100। ठीक है, मिस्टेक क्या हुआ, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन, मतलब 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मैंने गलती से सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ पे देखो, एक बॉय है, इज मेड इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट कोन हुज सर्कुलर बेस कॉइंसाइड विद द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर, बिल्कुल उसके ऊपर कॉइंसाइड करता है। ठीक है, हेमिस्फीयर के ऊपर जो कोन रखा हुआ है, दोनों का जो सर्कुलर पार्ट है कॉइंसाइड करता है। रेडियस बेस की 3.5 मीटर दी है और इट्स वॉल्यूम इज 2/3 ऑफ द हेमिस्फीयर, 2/3 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है कोन का। कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द कोन एंड सरफेस एरिया ऑफ द बॉय करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस और पाई की 7 3 21, 22/7 ही लिख देता, 22/7 लिखनी है हमको। इसके अलावा और कोई पता करना है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन एंड द सरफेस एरिया, हाइट और सरफेस एरिया दोनों पता करनी है। तो सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं इसका, ऐसे होगा हेमिस्फीयर, इसके ऊपर वो कोन होगा, इस तरह से वो बॉय बना होगा। इसकी हाइट मेरे को नहीं पता, अच्छा रेडियस मेरे को पता है 3.5 है। अभी एक चीज़ दिया हुआ है मेरे को क्वेश्चन में, अच्छा यहाँ पे रेडियस तो लिख ही दिया ना मैंने, तो क्वेश्चन डायरेक्टली करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम जो है इक्वल है कितना, 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये रिश्ता याद रहना चाहिए। अब ये रिश्ता याद है तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। लो भाई, पाई से पाई कट कर दिया, इधर भी डिनोमिनेटर में 3 है, इधर भी डिनोमिनेटर में 3 है, कट कर दिया। अच्छा रेडियस भी कॉन्साइड करते हैं, तो इधर 2 r हैं, इधर 3 था, तो पावर कटेगा, 1 r तो बचा रहेगा, यानी कि हाइट कितनी आ गई, 2 r, यानी कि 2 × 3.5, यानी कि कितनी आ गई, 7। था नहीं इसी बिल्कुल, हाइट ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कितना आ रहा है, 19 20 3 4 12 14 3, हाइट इज इक्वल टू सिर्फ 2 r, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, फिर से वही दिक्कत कर दिया हमने, 2/3 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि अभी 2/3 बचा हुआ है। एच इज इक्वल टू, एक 3 से 3 कटा तो 2 2 4, 4 r, 4 r भी नहीं होगा बल्कि 4 r/3 होगा, यानी कि 4 × 3.5/3 कितना आएगा, 14/3। ठीक है, तो ये 14/3 आ गया, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 3 4 12 2 3 4 12 12 14 14.3। ठीक है, यहाँ पे देखो वही गलती हुई, 2/3 पाई आर क्यूब होता है तो मैं ये भूल गया, एक बार इसका ये 2/3 लगेगा, एक बार फॉर्मूले का 2/3 पाई आर क्यूब लगेगा। ठीक है, फिर इसके बाद अभी मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पे हमको निकालना है अभी स्लैंट हाइट, एल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अभी यहाँ टिपिकल में भी आर स्क्वायर का मतलब 3.5, 3.5 नहीं रखते हैं, 7/2 रख देते हैं होल स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना है, 14/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं कितना आएगा, 49/4 प्लस 196 होता है, 16 का 256 होता है, 9,
तो अब इनका एलसीएम कितना आएगा, 36। एलसीएम लिया 36 आया, ये कितनी बार में गया, फोर्स, फोर नाइन जा 36, नाइन से नाइन नाइन जा 21, ये 441 आया। 9 से 4 टाइम्स में 196 का 4 गुना करोगे है ना, तो आएगा ये आपका 784। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 4 एक 5, 8 चार 12 के 2 और 7 चार 11, 11 एक 12, 12 25 बाई 36, वो भी अंडर रूट में अगर एल के इक्वल ले रहे हैं तो। यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 35 का स्क्वायर है 12 25, और 36 का किसका है, 6 का है, 35 बाई 6 मीटर। ये आपका क्या आ गया, स्लैंट हाइट आ गई। इसके अलावा सरफेस एरिया भी हमसे पूछा हुआ है ना, तो सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। सरफेस एरिया इज इक्वल टू दो चीज़ें होंगी, सी एस ए ऑफ कोन है प्लस में सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, दो चीज़ें हैं ना बॉय में, यानी कि पाई आर एल प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर है ना, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हम क्या किए, पाई आर कॉमन ले लिए, तो एल प्लस 2 आर, तो 22/7, और एक मिनट आर भी है ना यहाँ पे, 22/7 इंटू आर रेडियस, यानी कि 7/2 ही लिखते हैं। और यहाँ पे L कितना आया है अभी, 35/6 आया हुआ है मेरा, 35/6 प्लस में 2 आर, 2 इंटू आर, यानी 3.5 का दुगना 7, ठीक है। तो ये 7 से 7 कट गया, 2 वन ज़ा 2 इलेवन, चलो भाई 11 आ गया। इनमें क्या होगा, अभी इनमें LCM लेना होगा हमको, तो 35 प्लस 42 अपॉन में कितना आएगा, 6 आएगा, इज इक्वल टू 11 इंटू कितना हो जाएगा, 7 और 4 3 7 अपॉन में 6, 11 इंटू कितना करेंगे, 77 करेंगे, 11 7 77 के 7 आएगा, 11 7 और ऐड करेंगे तो 847/6। और इसको अगर कन्वर्ट वगैरह करना हुआ तो 6 से कितनी बार में जाता है, 14 टाइम्स में, फिर 6 1 6 जाएगा, एक रिमाइंडर बच के 6 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये सी एस से हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22, और ये लास्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 22 में है, एक सिलेंडर है जिसका हाइट दिया हुआ है इक्वल टू इट्स डायमीटर। सिलेंडर का हाइट है इक्वल है उसके डायमीटर के, और उसका सेम वॉल्यूम है एज स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब ये सिलेंडर का वॉल्यूम इसके इक्वल है, कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, सिलेंडर हुज हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर। तो यहाँ पे देखो सिलेंडर है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्फीयर, कह रहा है सिलेंडर हुज हाइट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, इसका जितना डी है उतना ही इसका एच है, यानी एच इज इक्वल टू डी है। अब ये कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम इसका सेम है किसके, इसके बराबर, 4 वाले के बराबर है ना। तो इसका अगर ये डी है और ये एच है, ठीक है, रेडियस इसका कितना होगा, एच बाई टू ले लेते हैं, ठीक है, हाइट डायमीटर के बराबर, तो डी बाई टू, तो यहाँ पे एच बाई टू ले लिया मैंने। सिंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन लिखा है मैंने, स्फीयर है ना ये, कोई नहीं होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई तो कट कर देंगे क्योंकि एक पाई दूसरे के नीचे आएगा इस साइड में अगर लाएंगे तो। आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, एच बाई टू इंटू एच बाई टू इंटू एच, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू एच, 4/3 आर क्यूब यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4। अब ये आपका कितना आ जाएगा,
इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन में 3, और ये भी 2 टू जा 4 ही हुए। तो एच क्यूब इज इक्वल टू कितना आया, 4 4 जा 16, 16 चौके 64, 4 इतना ज़्यादा, आर स्क्वायर एच 16 4 जा ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर इज हाइट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर हैज द सेम वॉल्यूम एज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो एच क्यूब निकालना है हमको ना, ठीक है कोई नहीं, 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना भी आएगा यार, देखते हैं 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, अपॉन में कितना है 3। अब यहाँ पे देखो, इतना ज़्यादा लगाने के अलावा एक मेरा को काम करना होगा यहाँ पे, कि मुझे रेडियस दिया है तो मैं डायरेक्ट रेडियस में कैसे कन्वर्ट करूँ। तो रेडियस का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो रिश्ता यहाँ पे अगर निकालें तो यहाँ से देखो आर रेडियस इक्वल टू एच बाई टू है, यानी एच इक्वल टू कितना है, 2r है, ठीक है। हाइट किसके इक्वल है, 2r के, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हाइट की जगह पे हम 2r का क्यूब लगा लेते हैं, इक्वल टू 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 अपॉन में 3, ये कितना आएगा 8r³ इक्वल टू 4 4 जा 16 इंटू 16 × 4/3 आएगा, यानी कि आर क्यूब हो जाएगा 16 × 16 × 4 अपॉन में 8 × 3। अब डायरेक्टली हम आर निकाल पाएंगे, 8 1 जा 8 2 जा कितना आ गया, 16 2 32 32 चौके 4 2 जा 8 4 3 जा 12 128/3 ये आ गया। इसका हमको क्या करना होगा, क्यूब रूट निकालना होगा 128/3 का। अब इसका क्यूब रूट निकालने के लिए डिवीजन मेथड में हमको इसको रखना पड़ेगा 128 को और बाई इसको 3 को, और हमको क्या करना पड़ेगा, तीन तीन पेयर लेने होंगे, है ना। ये कितना आएगा आंसर हमारा अंडर रूट में, पहले तो डिवाइड कर जो 3 4 जा 12 3 4 जा 12 3 2 जा 6 ठीक है, 20 आया तो 6 6 6 आता जाएगा। अब इसका क्यूब रूट करेंगे हम, तो इसका क्यूब रूट करेंगे तो आएगा हमारा 3.49, यानी कि अप्रॉक्स में 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। और ये जो क्यूब रूट निकालने वाला फार्मूला है, स्क्वायर रूट निकालने वाला फार्मूला है डिवीजन मेथड से, गूगल करोगे सब मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।